घुटनों का दर्द, ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेन के मैनेजमेंट के लिए ये तीनों ही मेडिसिन बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं। ये कंप्लीट ट्रीटमेंट है, ये ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेन को रिलीफ करती हैं और साथ में उनको ठीक करने में हेल्प करती हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर अरवा बोहरा। वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल एंड ऑल आर हैप्पी एंड सेफ। आज की इस वीडियो में ऑस्टियो अर्थराइटिस के लिए, ऑस्टियो अर्थराइटिस की वजह से होने वाले जोड़ों के दर्द एंड स्पेशली घुटनों के दर्द के लिए मैं आपको कंप्लीट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट बताऊंगी, जिसमें तीन होम्योपैथिक मेडिसिन्स हैं और एक लोकल एप्लीकेशन के लिए मेडिसिन है। ये जो बेसिक ट्रीटमेंट मैं आपको बताऊंगी, इसे कोई भी यूज़ कर सकता है जिन्हें ऑस्टियोआर्थराइटिस है और साथ में नी जॉइंट पेन है। 100% गारंटीड रिजल्ट मुझे अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में इन मेडिसिन्स के साथ मिलते हैं इन द केसेस ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस। सो अगर आपके घर में बुजुर्ग हैं या कोई भी है जिन्हें नी जॉइंट पेन है और कारण है ऑस्टियोआर्थराइटिस, तो इस वीडियो को एंड तक देख सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स अगर मुझसे पहली बार मिल रहे हैं या मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो नीचे जो रेड सब्सक्राइब बटन है उसे हिट करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू हिट दैट बेल आइकन, उससे आपको नोटिफिकेशंस रेगुलरली मिलेंगे। तो बिना देर किए आज की इस वीडियो को भी अब हम शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, नी जॉइंट पेन यानी कि घुटनों का दर्द अलग अलग कारण की वजह से होता है, जैसे कि डीजनरेशन, देन इन्फ्लामेशन ऑफ दी जॉइंट और एनी इंजरी टू दी जॉइंट। मेजर मेडिकल कंडीशंस जो नी जॉइंट पेन का कारण बनती हैं, उसमें सबसे पहला है ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो मोस्ट कॉमन है और मोस्ट ऑफ द केसेस में यही कारण होता है। सेकंड कॉमन केस है रूमेटॉइड अर्थराइटिस। तीसरा बहुत कॉमन कारण होता है गाउटी अर्थराइटिस एंड फोर्थ इज बर्साइटिस। नी जॉइंट पेन किसी भी उम्र में हो सकता है। सिम्टम्स या लक्षण जो हमें घुटनों के दर्द के साथ या जॉइंट पेन के साथ देखने मिलते हैं, वो होते हैं स्टिफनेस यानी कि अकड़न, दूसरा टेंडरनेस, आप टच करोगे अफेक्टेड जॉइंट को वहाँ पे टेंडरनेस मिलेगी, पेन मिलेगा। देन थर्ड इज स्वेलिंग यानी कि सूजन, एंड फोर्थ इज हीट यानी कि जो अफेक्टेड एरिया है वहाँ पे थोड़ी सी हमको वार्मथ मिलेगी। होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इन केसेज ऑफ अर्थराइटिस, चाहे वो किसी भी टाइप का है। आज की इस वीडियो में हम स्पेशली ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से होने वाले नी जॉइंट पेन के बारे में बात कर रहे हैं और उसी के लिए मेडिसिन्स मैं आपको बताऊंगी। सो द फर्स्ट वेरी इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर ऑस्टियोआर्थराइटिस इज कॉस्टिकम 200 और कॉस्टिकम 30। मेरे पास यहाँ पे कॉस्टिकम 200 है। बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए। इसके मेन इंडिकेटिंग सिम्टम्स होते हैं आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस है, घुटनों में दर्द है और साथ में मार्क्ड स्टिफनेस है यानी कि जो अकड़न है वो बहुत ज़्यादा मार्क्ड है। एक और इसका जो की सिम्टम है इसको प्रिस्क्राइब करने के लिए, वो होता है जोड़ों में से कट कट की आवाज़ आना जब भी आप मूवमेंट करेंगे या फिर इन जनरल चलेंगे या उठेंगे बैठेंगे, तो आपको आपके जॉइंट में से कट कट की आवाज़ आएगी। बहुत कॉमन कंप्लेन है, बहुत सारी क्वेरीज भी आती हैं इसके लिए। तो अगर स्टिफनेस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, जॉइंट पेन है और नी क्रैपिटस है यानी कि जोड़ों में से कट कट की आवाज़ आती है, तो कॉस्टिकम 200 बहुत इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। आप स्टार्ट कॉस्टिकम 30 के साथ भी कर सकते हैं। कॉस्टिकम 30 या 200 दो गोली दिन में 2 से 3 बार आपने लेनी है फॉर अ मंथ और उसके बाद अकॉर्डिंगली आपने कंटिन्यू करनी है। सेकेंड वेरी इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर ऑस्टियोआर्थराइटिस नी पेन इज रूटा इन 30 और 200 पोटेंसी। ये SBL का 100 ml डायल्यूशन है मेरे पास। मैं अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस से बताऊं तो ऑस्टियोआर्थराइटिस नी पेन के केसेस में मैं रूटा ज़रूर प्रिस्क्राइब करती हूँ फॉर पेन मैनेजमेंट स्पेशली, और ये बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स को कवर करती है और उससे बहुत अच्छे रिजल्ट भी मुझे मिलते हैं। इसका जो मेन इंडिकेटिंग सिम्टम है वो ये है कि अगर आपको जॉइंट पेन है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है और आपके घुटनों का दर्द स्टेयर्स अप एंड डाउन करने में बढ़ जाता है या फिर सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, तो रूटा लेने से बहुत आराम मिलता है। सेकेंड वेरी इफेक्टिव इंडिकेशन ऑफ रूटा इज़ कि अगर आपको अफेक्टेड जॉइंट के ऊपर प्रेशर देने से मोमेंट्री रिलीफ मिलता है, मतलब अगर आपको नी जॉइंट में पेन है उसको आप दबाते हैं कोई ऑइंटमेंट या मसाज करने के बाद तो आपको राहत मिलती है या फिर टाइट नी कैप से आपको राहत मिलती है, रूटा बहुत अच्छी तरीके से काम करती है। रूटा आप 30 पोटेंसी में, 200 पोटेंसी में ले सकते हैं। मैं दोनों ही पोटेंसी में प्रिस्क्राइब करती हूँ। अगर आप रूटा 30 ले रहे हैं तो दो गोली दिन में 3 बार लीजिए फॉर 15 डेज, 20 डेज या फिर 1 मंथ और उसके बाद अकॉर्डिंग
अकॉर्डिंगली आप इसे लेना बंद भी कर सकते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट थर्ड कॉम्बिनेशन होम्योपैथिक मेडिसिन जो है डॉक्टर रेकवेक की R73 नंबर के ड्रॉप्स, स्पेशली जॉइंट पेन ड्रॉप्स है ये और स्पेशली ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए फॉर्मुलेटेड है। R73 ड्रॉप्स को नी जॉइंट पेन मैनेजमेंट में मैं अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में 4 सालों से यूज़ कर रही हूँ और कोई एक सिंगल पेशेंट भी नहीं है जिसमें इस मेडिसिन ने मुझे डिसअपॉइंट किया है। बहुत इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। आपके नी जॉइंट पेन का ओरिजिन कोई भी है आप ले सकते हैं, बट अगर पर्टिकुलर ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट हैं आप तो ये मेडिसिन बहुत ही मैजिकली काम करती है। इसका जो कॉम्पोजिशन है वो बहुत अमेजिंग है, मैं इन शॉर्ट बता देती हूँ। एसिड सल्फ है इसके अंदर, इसके अंदर अर्जेंटम मेटालिकम है, आर्निका है जो बहुत ही इफेक्टिव है पेन मैनेजमेंट में, दैन इट हैज़ ब्राइनिया जॉइंट पेन के लिए लीडिंग होम्योपैथिक मेडिसिन है, इट हैज़ कॉस्टिकम जैसा मैंने अभी बताया, कॉस्टिकम के इंडिकेशंस वो भी है इसमें, एंड इट हैज़ लीडम पाल एज वेल। आपको 20 ड्रॉप्स थोड़े से पानी के साथ, लाइक 1/4 कप ऑफ वाटर के साथ दिन में 3 बार पीनी है, खाना खाने से आधा घंटा पहले या आधा घंटा बाद, और इसे थोड़ा लंबे समय तक कंटिन्यू करना है, लाइक 6 मंथ्स 1 ईयर। आप इसे और भी ज़्यादा टाइम के लिए भी ले सकते हैं। ये 22 ml क्वांटिटी पैकेजिंग है और इसका जो प्राइस है 235 रुपीज़ है। आपको किसी भी लोकल होम्योपैथिक स्टोर पर ये सारी मेडिसिन मिल जाएंगी। सो तीसरी मेडिसिन ये है, कॉम्बिनेशन मेडिसिन जो आपने लेनी है। नाउ फोर्थ मेडिसिन इज़ लोकल एप्लीकेशन के लिए WSI का ऑल मूव पेन रिलीफ ऑयल। पेन रिलीफ ऑयल बहुत सारे हैं, होम्योपैथी में है, अदर सिस्टम ऑफ मेडिसिन के भी हैं, बट दिस पर्टिकुलर ऑयल इज़ माई फेवरेट। इसके अंदर जो कॉम्पोजिशन है वो स्पेशली इन्फ्लामेशन को कम करने में हेल्प करता है, बहुत इफेक्टिव है, पेन मैनेजमेंट में बहुत अच्छा है। तो ये जो ऑयल है आप इसे 2 से 3 बार अपने अफेक्टेड जॉइंट के ऊपर लगाइए, हल्का मसाज करिए। इसके बाद अगर आप नी कैप वगैरह पहनते हैं तो पहनिए। तो दोस्तों ये 4 मेडिसिन हैं जिसमें 3 ओरल लेने की मेडिसिन है और 1 लोकल एप्लीकेशन के लिए। इसे मैं बेसिक कंप्लीट ट्रीटमेंट बोलती हूँ ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए, जिसे आप यूज़ कर सकते हैं अगर आप कोई भी ट्रीटमेंट अभी नहीं ले रहे हैं होम्योपैथी में और आप पेन किलर्स ले लेकर परेशान हो गए हैं। तो इसके अलावा भी बहुत सारी टॉप रैंक लीडिंग होम्योपैथिक मेडिसिन है जो सिम्टम्स के आधार पर दी जाती है, ब्राइनिया अलग से, देन रस्टॉक्स दी जाती है, आर्निका बहुत इफेक्टिव है, लिडम पाल है, इनमें से कुछ मेडिसिन R73 के अंदर है। जो भी सिम्टम्स मैंने बताए आपको, अगर वो आपकी कंप्लेंट्स के साथ नहीं मैच हो रहे हैं और आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप ई कंसल्टेशन ले सकते हैं हमसे, उसकी डिटेल्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, या फिर आप अपने किसी नियर बाई होम्योपैथिक फिजिशियन से ज़रूर कंसल्टेशन लें, बिकॉज ऑस्टियोआर्थराइटिस को बहुत ही इफेक्टिवली आप होम्योपैथी के साथ मैनेज कर सकते हैं, किसी पेन किलर की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी और कोई साइड इफेक्ट का आपको रिस्क भी नहीं रहेगा। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ज़रूर आपके काम आएगी। इफ़ यू गाइज फाउंड दिस वीडियो यूजफुल प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप, ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। आई विल मीट यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ and your families. Love you all.